Hello students, welcome back to our channel KCYC. We will be continuing with our 6th chapter, that is circle. In the last video we did with your exercise 6.1, so in this video we will be doing with exercise 6.2 and even some examples from your problem set 6. Chalo bachalo, we will continue with your exercise 6.2. तो एक्सरसाइज 6.2 करने के पहले यू शुड नो दो थियरम्स आना चाहिए. द फर्स्ट वन इज, इफ यू रीड इट, इज दिस पे, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये सर्कल है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब ये कॉर्ड विल इंस्टेड ऑफ दिस विल ड्रॉ वाया ये, ठीक है. सो वी गॉट ओवर, दिस इज योर कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज योर सेंटर. दैट इज इफ कॉर्ड, पे अटेंशन बच्चा, दैट इज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, दिस इज पी, दिस इज एम, ये डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर आज के बाद आप लोग बोलने का दैट इज ओ पी is equal to OM, that is congruent chords. अगर chords congruent है तो ये distance जो रहता है ना बच्चा, ये distance same रहता है. So we say over here for this one, that is जब भी ये use करोगे तो लिखने का that is congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle. इसका उल्टा, the chords which are equidistant from the center, तो same draw के उल्टा इसका. अभी ये distance और ये distance same है. Again we write this is A, this is B, this is C, this is D, this is O, this is P, this is M. अभी ये distance और ये distance अगर same है, that is if OM is equal to OP, तो you should say over here that is chord A, this is A, D is congruent to chord, that is what you can say CB or BC. और इसके लिए आपका प्रॉपर्टी आएगा, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. सिंपल लैंग्वेज में बच्चा लोग, एवरीबडी ओवर हियर, व्हाट इज इन सिंपल लैंग्वेज, दैट इज इफ, व्हाट आई से इफ, बच्चा लोग ध्यान दो, इफ दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट, अगर एक कॉर्ड और एक कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होता है. यहाँ पे उल्टा जाएंगे, दैट इज अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, देन वी से बच्चा ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है. तो यह एक्सरसाइज 6.2 इज ऑन दिस टू थियरम्स. नाउ चेक विद एक्सरसाइज 6.2, देखो क्या दिया. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. प्लीज पे अटेंशन, ओनली टू सम्स आर देयर. सो दिस इज व्हाट यू गेट योर सर्कल ओवर हियर. द रेडियस आई विल पुट इट ओवर हियर गिवन में. द रेडियस ऑफ अ सर्कल, प्लीज पे अटेंशन, द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है. तो आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर एंड यहां पे ड्रॉ करता हूं. सो दिस इज व्हाट यू से, दिस इज योर कॉर्ड ए बी and this is your chord CD, इधर है. So we say over here that is AB is equal to CD and that is equal to 16 centimeter, that is two chords of length 16 centimeter each. What will be the distance of this chord from the center? तो ये बच्चा ये distance निकाल लेगा, तो ये distance बोलेगा तो ये perpendicular है, this is what we have to find. Now check everybody, how will you do this? Now check what you'll do over here, it will join this part over here. Now, बच्चा लोग, everybody, radius of a circle बोला है 10 सेंटीमीटर. Then they have said this AB, यहाँ पे AM, ये AB है ना बच्चा, यहाँ पे will be plus P. What we need to find is your MP. Now, pay attention everybody over here with your solution. Simple है. Now, बच्चा ये 10 है. First you will find out this one. Now, we say that since यहाँ पे start हो गया, OM is perpendicular to AB. Last वीडियोज में किया था, वी से द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड. सो यू से बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, रीजन वी ऑलरेडी रिटर्न ओवर हियर, दैट इज हाफ ए बी इज हाउ मच बच्चा, स्क्रीन पे है, दिस इज 16 एंड वी गेट अवे दिस इज बी एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ना बच्चा ये 8 है, ये 10 है, यू कैन फाइंड आउट ओ एम, दैट इज बाय क्या, पाइथागोरस थियरम. So we say in right angle triangle OMB, you say over here by Pythagoras theorem,
What you get by Pythagoras theorem by chalo, to yeh aa jayega, that is OP square. Ye hypotenuse is equal to this is your OM square plus BM square. OB square, this becomes your 10 square. OM humko find out karne ka hai. BM, that becomes your 8 square. This is 100, ye direct mere side mein likhta hu, minus 65 is equal to OM square. And ho gaya bacha, OM square is equal to 36, and we see OM is equal to 6 centimeter. क्या पूछा आपको ये MP? अभी ये दिखाने का कोई जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट अ प्रॉपर्टी दैट इज वी से, दैट इज सिंस ये बच्चा लोग लिखा हुआ है स्टार्ट में ही, देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो वी से दैट इज सिंस कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड और दैट बच्चा सी डी, दिस इज क्या आ गया बच्चा गिवन, तो राइट अ प्रॉपर्टी ओवर हियर. क्या लिखोगे, कौन सा प्रॉपर्टी लिखोगे बच्चा लोग, अब भी दो मिनट पहला बोला प्रॉपर्टी, यू विल राइट अ प्रॉपर्टी ओवर देयर कि क्या लिखोगे बच्चा लोग, दैट इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यू राइट अ प्रॉपर्टी ओवर हियर, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो मतलब ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका डिस्टेंस सेम है, तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज ओ एम is equal to OP and that is equal to 6 centimeter. Now check everybody with your second sum, जो अभी first किया उसका exactly उल्टा है. In a circle with radius 13 centimeter, please pay attention everybody for the second one. So what they said बच्चा second में, that is this is what you get your circle over here with center as O, तो given में you can say that is O is the center of the circle. And then they have said over here the radius is equal to 13 centimeter. क्या दिया? Two equal chords are at a distance. Same अच्छा. ये chord equal है. So this is over here AB. This is over here CD. So they mentioned over here that is AB is equal to CD. Both the chords are equal. Two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. तो ये chords equal है. तो ये distance बच्चा. और इफ यू वांट यू कैन राइट दिस कॉर्ड ये यहाँ पे लिखोगे तो भी, इफ यू वांट थोड़ा सा चेंज कर लो तो भी चलेगा, ये कॉर्ड आ जाएगा, दिस इज सी डी, ये बच्चा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है बच्चा लो, दे आर गिवन दिस साइज, यू कैन टेक दिस 5 सेंटीमीटर और दोनों भी सेम है 5 सेंटीमीटर, दिस इज ओ, दिस इज विल पुट इट एज एम, दिस विल पुट इट एज पी. क्या वर्ड आउट करने का बच्चा लोग हो भैया, अगेन आई रिपीट, इन अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर एज ओ, द रेडियस इज 13, विल ड्रॉ एक ही डायग्राम कोई तो भी, मतलब एक ही ट्राइंगल बनाएंगे, दिस इज 13 सेंटीमीटर, सो दिस इज व्हाट यू गेट अवे इज 13 सेंटीमीटर. टू इक्वल कॉर्ड, दे सेड दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड आर इक्वल, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. सिंपल है बच्चा लोग, नाउ चलो पे अटेंशन, व्हाट वी नीड टू फाइंड, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट इज वी नीड टू फाइंड ए बी is equal to, we need to find AB and CD. Now, chalo, pay attention everybody over here with your solution. Actually, this is very easy. इसमें कुछ ज़्यादा property use ही नहीं हो रहा है. You go with this right angle triangle. ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है. This will find out by Pythagoras theorem. So, you say this is in right angle triangle OPB. We say over here by Pythagoras theorem. And what does your Pythagoras theorem says? That is hypotenuse square, that is OB square is equal to OP square plus PB square. OB, bacha, this is over 13 square. OP, this is 5 square. PB is PB square. Ye hai 169, ye mere side mein aayega 25, that is your PB square. We get this is over PB square. How much you get, bacha? 169 minus 25. This is 4, 4 and this is 1. This is 144 and हो गया बच्चा PB is equal to 12 सेंटीमीटर. ध्यान दो, ये PB दिया, ये फाइंड आउट करने का, तो what you can say हो या बच्चा लोग बड़ा है ना, that is V से AB या first property is equal to twice of PB, you can say the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, so this is 2 into 12 and AB is equal to 24 सेंटीमीटर. यहाँ पे स्टार्ट में ही बोला है हमने ए बी इज इक्वल टू क्या है बच्चा सी डी, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. सो सिंपल, दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर सम नंबर टू. नाउ बच्चा लोग इफ यू चेक विद योर सम नंबर थ्री, जो बच्चा लोग नेक्स्ट ईयर 2021 में लिख रहे, दैट इज योर थर्ड सम इज रिलेटेड,
When you turn with your pages, if you see with the exercise 6.3 bacha, 6.3 is your construction. So construction will do it later on. So what we'll do, if you go with your problem set, if you go with your problem set number 6. So problem set number 6 mein bacha log, again, first is MCQ, you can try on your own or I may show you in the next lecture. Second sum to delete kiya hua hai. Third one is again a construction. So I'll do the sum number 4th, I'll do sum number 5, I'll do sum number 6. So sum number 5, 6, 4, 5, 6 mein if you check, wahi properties aayega. The perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Then the line joining the center of the circle and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord, jo first exercise 6.1 ka ulta sulta. Then the second property that which we did in this video start mein, that is congruent chords are equidistant from the center of the circle O, aur uska converse, chords equidistant from the center of the circle are congruent. So let's do with your sum number 4 first. Now check with your sum number 4. Very simple. Check bacha lo kitna simple hai. I'll do all the three sums together. आपको एस एस सी में जब बन गया चैप्टर दैट इज सर्कल, तो ये टाइप का सम्स बहुत सारा आपको करने का है. ये परपेंडिकुलर है, दिस वुड गेट क्यू सी वुड विल गो अवे विद गिवन में. नाउ चेक इन योर टेक्स्ट बुक्स, बच्चा लोग क्या क्या गिवन में दिया हुआ है. इट्स वेरी सिंपल. You get away, this is C is the center of the circle. ठीक है? Then what they are given over here? ये जो है ना बच्चे, ये Q, I have not written over here, T. That is QT is a diameter. ठीक है? Very good over here, CT is equal to 13. CP is equal to 5. CT, बच्चे, ये. CP, यहां से लेके यहां तक. I'll do it later on. What do you need to find? Is we need to find that is RS. Now bacha log check everybody, ye part check karo, how I'll do this, the solution check. Pahla bola hai that is since CT is equal to 13, therefore ye bacha ye CT agar 13 hai ye, theek hai, therefore we got over here that is CT is equal to CQ is equal to 13, that is you say that is the radii of the same circle, theek hai. This is what I write, radius of the same circle. Now, बच्चा लोग everybody over here CP, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया बच्चा, ये कितना दिया है, this is 5. अब यहाँ पे CT is equal to CQ लिखा है ना, तो CT is equal to CQ is equal to ये भी बच्चा लोग pair direction, ये CR, तो यहाँ पे और एक आ जाएगा, that is your CR, that is the radius of the same circle. Now बच्चा लोग you know this is 13, you know this is 5. तो ये वाला कैसा फाइंड आउट करेगा बच्चा लोग, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट इज, भाई आपको क्या फाइंड आउट करेगा, ये आर एस, तो पहले ये फाइंड आउट करो फिर ये फुल आ जाएगा. सो हाउ विल यू डू ओवर हियर दैट इज, यहां पे 90 डिग्री पहले से मेंशन किया हुआ है, दैट इज वी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल सी पी आर एंड वी गेट ओवर हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट डू यू गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चा, दैट इज सी आर स्क्वायर, ये वाला सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर. सी आर स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर, सी पी दैट इज 5 स्क्वायर, आर पी, आर पी चेक, वी आर सपोज टू फाइंड एज इट इज. ये बनेगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू डेढ़ बच्चा आर पी स्क्वायर, अभी किया था आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144. अगर आर पी स्क्वायर 144 है बच्चा, तो आर पी इज इक्वल टू कितना बोलेगा, दैट इज 12. आपको आर पी नहीं पूछा, आपको क्या पूछा, ये आर एस, और फिर लिखने का आर एस बड़ा है ना, तो ट्वाइस ऑफ आर पी एंड गेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड एंड यू गेट बाय आर एस इज इक्वल टू 24. दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर फर्स्ट सम फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट, दैट इज एक्चुअली योर फोर्थ सम. Now check everybody with your sum number 5. Sum number 5 may be, check everybody, you got a diagram over here. This is what you got your diagram. This one is over here. Either chale gaya, this is gone over here. This is B, this is C. Yahan pe this is your E. This is your D. Yahan pe hai P, please pay attention. This is A. E angle or E angle congruent hai. What you are having over here given me? P is the center of the circle where chord AB and chord ABCD intersect,
on the diameter at E. मतलब ये, if you write this one, this is what you get here. Diameter. I just write this as x y. So you can say x y is a diameter. अभी क्या-क्या लिया हुआ ये angle बचा. Angle A E P is congruent to angle D E P. Check they are given. A P is given to D E P and we need to prove. क्या प्रूव करने का बच्चा, दैट इज ए बी इज इक्वल टू, क्या प्रूव करने का है बच्चा, दैट इज सी. नाउ चेक एवरीबॉडी हाउ विल यू डू, यू हैव टू प्रूव ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है. तो विल ड्रॉ कंस्ट्रक्शन बच्चा, ये देख परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, दिस इज एम दिस इज एन. तो विल हैव बाय अ कंस्ट्रक्शन में दैट इज ड्रॉ दैट इज पी एम परपेंडिकुलर टू सी डी और ये साइड में PM perpendicular to AE. Basically prove करने का ये triangle और ये triangle congruent है. So it goes with your previous chapter. So now pay attention everybody over here with the proof. इसलिए geometry में सब chapters आपको समझना जरूरी है. तो we'll take this triangle and this triangle. तो you say this is your triangle PME. And you say this is over your triangle PNE. I said एक triangle prove करने के लिए कितना step लगता है बच्चा, 3. फोर्थ में आता है टेस्ट और फिफ्थ में CACT या CSCT whatever it is, we'll see later on. So पहले ये 90 degree वाला ही ले लेगा. We say this is the angle PME is congruent to angle PNE. This is, you can write over here, each angle measures, what do you get बच्चा, 90 degree. फिर ये ले लेंगे. तो we get over, this is over here segment PE is congruent to segment PE. This is common side. ये बाद में दिया हुआ angle, that is your angle, क्या नाम है उसका, MEP is congruent to angle NEP. This is, उन्होंने marking किया ना बच्चा, given, and therefore we say triangle PME is congruent to triangle PNE. Now you have to go with your test बच्चा, लो check with your test. ट्राइंगल वैसे कभी तुम्हें बाहर निकाल देने का, ये 90 था, ये गिवन था, ये कॉमन साइड था. व्हाट इज इट बच्चा, ए एस ए ना, ए एस ए नहीं है बच्चा, बिकॉज दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है. इट इज एस ए ए टेस्ट. तो टेस्ट यू हैव टू सी प्रॉपरली बच्चा, इट इज एस ए ए टेस्ट. ओके, इफ यू प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर वी से ओ या दैट इज सेगमेंट, ये वाला बच्चा सेगमेंट पीएम इज, यू कैन से ओ या कॉन्ग्रुएंट to segment PN, and you get out this is CSCT, that is corresponding sides of congruent triangles. अभी property पढ़ा था बच्चा, अगर ये distance, ये center से distance अगर same है, तो chords are congruent. तो you should write over here chords equidistance. Everybody can write on your own, chords equidistance from the center of the circle are congruent. तो property लिखने का, otherwise marks नहीं मिलेगा. And therefore, we can say this is your chord CD is congruent to chord. What you can say over here, this is AB, and this is what is to be proved here. You can write that as AB is equal to CD. So, this is how you have to do your sum number 5. Now, check with your last sum of this video, as well as we can say last sum for this problem set. Right? It's a very simple sum. See sum number 6. They are given a diagram over here. This is what you get here, diagram. This may be a diameter. Here, this is what you get here, triangle over here. We'll check. Bachalo, how it works out. Now, check. This is C. This is your triangle ABC. This is the center O. Ye perpendicular hai. This is your E. This is D. Very simple, bachalo. Everybody given me. They said over here, CD is a diameter, O is the center of the circle. Then they said over here that CD is perpendicular to AB, and we need to show, kya prove karne ka bacha, that is triangle ABC is an isosceles triangle. Now bacha lo, you should know what do you mean by an isosceles triangle. Isosceles triangle, that is triangle ABC, triangle ABC is an isosceles triangle. Ye blue wala prove karne ka hai. It's an isosceles triangle. But basically, you have to prove ये side और ये side congruent है. Now, चलो pay attention everybody over here with the proof. I said it's very easy.
ये ट्राइंगल में जाने का, ये ट्राइंगल में जाने का, दोनों ट्राइंगल्स प्रूव करने का, दे आर कॉन्ग्रुएंट। वेरी सिंपल, ए लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल का नाम है दैट इज ए ट्राइंगल सी ए ए सी ई ए एंड राइट हैंड साइड वाला इज सी ई बी। अभी किया था, एक ट्राइंगल प्रूव करने के लिए कितना स्टेप लगता है, 3, 4th में आएगा टेस्ट, 5th में जो भी रिक्वायरमेंट है। नाउ रेडी टू स्टार्ट हुआ है, नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी, हो ये पहला लिखते हैं सी ई। वेरी सिंपल, सेगमेंट सी ई is congruent to segment CE. This is common side. Then यहाँ पे बचा, ये 90 है, 90 है. So you say this is the angle CEA is congruent to angle CEB. That is you say each angle measures कितना आएगा बच्चा 90 degree. अभी तीसरा वाला किधर है वो ढूंढो ना बच्चा। ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ गया ना बच्चा, तो एवरीबॉडी शुड नो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यू शुड राइट ओवर दैट सेगमेंट एई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीई और इधर रीजन आएगा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड नाउ वी सी दिस इज योर ट्राइंगल सीईए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीईबी। आई सेड टेस्ट निकाल रहे हो, ये आपने कॉमन साइड लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन और यहाँ पे 90 चेक बचा रही, देखो S बीच में A है, फिर S है, सो इट इज बाय S E S टेस्ट। अगर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय S E S टेस्ट एंड देयरफॉर वी सी दैट इज सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC एंड दैट इज बाय CSC हुआ नहीं है। नाउ वी कैन से वेयर दैट इज इन ट्राइंगल ABC since you say this way that is segment AC is congruent to segment BC यहाँ पे prove किया and therefore we say that is triangle ABC यहाँ पे बोला है that is it is an isosceles triangle. So this is how you have to do your sum number 6. I hope everybody understood with the exercise 6.2 and the problem set that is your sum number 4, 5 and 6. So finish for today over here. Baki ka in the next video we will be doing construction. And remember construction is very important because you have to understand where to keep your compass, how to draw the circles or how to draw the arcs. So finish for today over here. Baki will continue in the next lecture. Till then bachalo, bye bye, tata, take care.